नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं विक्रम श्रीवास्तव। आइए डालते एक नजर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों पर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुरुवार को विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की बात कही, साथ ही जल्द से जल्द कार्य को पूरा करने के निर्देश भी दिए। गुरुवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत नारसन बॉर्डर पर पहुंचे। यहां सबसे पहले उन्होंने कुंभ पर कोविड जांच सेंटर समेत अन्य प्रस्तावित काउंटर के बारे में जानकारी ली, साथ ही निर्देश दिए कि बॉर्डर पर इस तरह की व्यवस्था हो कि उत्तराखंड आने वाले यात्रियों को इंतजार ना करना पड़े, भीड़भाड़ ना होने दी जाए। यहां पर पेयजल एवं पथ प्रकाश की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। हाईवे चौड़ीकरण से जुड़े जो कार्य हैं उनको तत्काल पूरा करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिए। प्रदेश में अब कंटेनमेंट जोन का दायरा और बढ़ाया जाएगा। इसके लिए शासन ने सभी जिलाधिकारियों को केंद्र द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करने का आदेश जारी किया है। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, यह शासन के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी ने आदेश में कहा है कि कोरोना पर रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाया जाए, कोरोना संक्रमितों और संपर्क की मैपिंग की जाए, कंटेनमेंट जोन का दायरा विस्तृत रखा जाए जिसमें संक्रमण के मामले और संपर्कों की पहचान की जा सके। इसके लिए आसपास की दुकानों, स्कूल, सामुदायिक सेवाएं, स्थानीय विक्रेताओं आदि को कंटेनमेंट जोन के दायरे में लिया जाए। क्षेत्र विशेष में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए रिहायशी कॉलोनी, मोहल्लों, नगर निगम वार्ड, थाना क्षेत्र आदि को भी जरूरत के हिसाब से कंटेनमेंट जोन बनाया जा सकता है। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर बह रही गंगा की धारा को 4 साल बाद उस शासनादेश से निजात मिल गई जिसमें उसे स्केप चैनल यानी नहर घोषित किया गया था। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के दिशा निर्देशों के क्रम में शासन ने बुधवार को शासनादेश को निरस्त करने का आदेश जारी किया है। अलबत्ता हर की पैड़ी क्षेत्र में तटीय विकास व निर्माण कार्यों के सिलसिले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के सभी प्रावधान को लागू रखा जाएगा। पिछली सरकार ने 24 दिसंबर 2016 को हर की पौड़ी में बह रही गंगा की धारा को एस्केप चैनल घोषित करने का शासनादेश निर्गत किया था, यानी इस धारा को तब तक गंगा का मुख्य भाग नहीं माना गया तब से संत समाज इसको लेकर गुस्से में था और इस शासनादेश के निरस्त करने की मांग उठाई जा रही थी। इस साल जुलाई में यह मसला तब गरमाया जब तत्कालीन मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने अपनी सरकार के इस फैसले पर अफसोस जताते हुए इसे भूल करार दिया था। अब खबर उत्तर प्रदेश से। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार के बाद भी सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के छोटे उद्योगों को बड़ी आर्थिक मदद प्रदान कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयास इन छोटे उद्योगों का फिर से पुरानी गति में संचालन और युवाओं को रोजगार में मदद करने का है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की लघु, छोटी तथा मध्यम औद्योगिक इकाइयों के संचालन को ऋण प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने लाभार्थियों को संबोधित भी किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, केंद्र सरकार ने MSME को बढ़ावा देने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। हमारा प्रयास है इसका लाभ लेकर हम उद्यमियों की समस्या को दूर करें। अपने इस अभियान में सफल भी हो रहे हैं। इस योजना का लाभ हर तबके को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में किसान का खेत में खुला बोरीवेल को बंद न करने की भूल आखिर उसके बेटे की जान ले ली। बुधवार को खेत में खेलते समय 60 फीट गहरे बोरवेल में गिरने से किसान के 6 वर्षीय बेटे को 20 घंटे बाद SDRF की टीम ने बाहर निकाला लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। रात 12 बजे लखनऊ से आई SDRF की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था। इससे पहले दोपहर
3 बजे से प्रशासन, पुलिस और दमकल की टीम बोरवेल से बच्चे को निकालने के प्रयास में जुटी रही थी। गुरुवार की सुबह करीब 9:15 बजे SDRF की टीम ने मासूम को बाहर निकाला। इसके बाद एम्बुलेंस से उसे तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। बीती शाम से बोरवेल से बच्चे की आवाज़ आनी बंद हो गई थी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मैं विक्रम श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूं। जाने से पहले एक जरूरी संदेश, बिजली की बचत करना हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए साधारण बल्ब की जगह CFL बल्ब का उपयोग करके आप लगभग 70% ऊर्जा बचा सकते हैं व सामान्य बल्ब के बराबर रोशनी भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।